हाँ तो भाई लोग क्या हाल चाल, हाजिर हो गए फिर न्यू लेटेस्ट एक फ्रेश वीडियो के साथ। सुनाओ भैया लोग क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, मजे लगे पड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जाने लगे E4 2020। जैसा कि आप जानते हैं पहले E4 बहुत ही फेमस हो रहा था, बहुत ही मार्केट में चला, हर आवाम E4 कर रही थी। इसी चीज को देखते हुए E4 ने अपना न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है E4 2020 के साथ साथ एक और मॉडल भी लॉन्च किया है E4 ने, E4i, जिसका नाम रखा हुआ गया। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, इसका क्विक रिव्यू करेंगे, इसकी लुक वगैरह आपको दिखाएंगे। सो भैया वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक SSG मोबाइल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा हमारी लेटेस्ट आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यार तो भाई एक और बात बताना यार, थोड़ी सी कम्युनिटी चेंज की है, तो बताइएगा यार कौन सा स्टाइल ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलते हैं जी वीडियो पर। तो भैया पहले बताता जा रहा हूँ, सील वगैरह इसकी पैकिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी कट की हुई है। कोई लोग कमेंट में गालियाँ निकाल रहे होते, अल्लाह का खौफ करो यार, किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो उसको बुरा भी मत कहो। बहरहाल तुम जिस तरह मर्जी दो, मैं नहीं लेने वाला यार, हम मजे में करेंगे, अपने जो भाइयों का सपोर्ट करते हैं, जिनका लव है हम उनके साथ हैं। सो भैया चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भैया इस तरीके से आपने इसकी पैकिंग कट कर लेनी है, जिससे आपकी पैकिंग भी यहाँ से ख़राब नहीं होगी। इजीली आप यहाँ से ब्लेड लगा लें, उसके बाद इसके यहाँ से सील पे ब्लेड लगा लें, आपकी पैकिंग बिल्कुल नहीं ख़राब होगी, डब्बा आपका न्यू का न्यू ही रहेगा। तो डब्बे को इस तरह से यहाँ से ओपन कर लें, डब्बे को ओपन करोगे देखोगे, देखिए ये सारी पैकिंग वैसी की वैसी ही पड़ी है मेरी। तो ये डब्बा ओपन करते ही हम फ्रंट पे हमें मिला था QMobile E4 2020। तो पैकिंग से मैं निकाल लेता हूँ इसको, आप इसकी ये फर्स्ट लुक चेक कर सकते हैं। यार जो आवाम रो रही थी नोकिया 3310 के पीछे, यार ले लो उसका भाई आ गया नोकिया 3310 का। शाइनिंग बैग में अच्छी है लुक, डिवाइस की बहुत अच्छी है, हैंडी है, स्लिम बहुत है, बटन इसके पर्सनली मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, मैसेज टाइपिंग वालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे बटन इसके। तो ये QMobile का E4 2020। तो मोबाइल को साइड में रखते हैं यार, निकालते हैं बाकी बॉक्स में इसके क्या क्या निकलता है। तो इस तरह से आप यहाँ से बॉक्स ओपन करिएगा, तो यहाँ पर आपको मजीद अंदर इसका सामान मिल जाएगा देखने को। यार सामान में देख लो, एक अदर चार्जर मिला था, यूज़र गाइड बुक जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिला एक अदर बैटरी। तो हम बैटरी को निकाल लेते हैं ताकि अपनी डिवाइस को ऑन कर लें। बैटरी निकाल लिया यार, बैटरी इसकी भी कितने mAh की है, 1800 mAh की इसकी बैटरी है E4 2020। 1800 mAh की इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी टाइम तो अच्छा हो गई यार, नोकिया की भी इतनी होती है तकरीबन। तो सेम वही प्रोसीजर है यार जैसे मैं वीडियो में आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, यहाँ से आप इसे खोलिए, लगाइए बैटरी बीच में और मज़े करिए यार। तो इसी तरह सेम मेथड है यार, आराम से इसीलिए ओपन करिए, डालिए इसके अंदर। तो अंदर डालने से पहले मैं यार आपको इसके अंदर का थोड़ा फंक्शन दिखाता जाऊँ। यहाँ पे हमें एक विगा कैमरा देखने को मिल जाता है, LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर आप सिम 1 लगा सकते हैं अपनी, यहाँ पे सिम 2 लगा सकते हो, यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगेगा अप टू 16 GB तक ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा, इससे ज़्यादा का भैया सपोर्ट नहीं करने वाला। ये यार 32 GB नॉर्मली चलता है यार, क्यों वालों थोड़ा खुदा खोफी किया करो यार। तो बड़ा यार जो भी है ठोको इसके अंदर बैटरी, तो बैटरी लगा ली है यार, डिवाइस ऑन कर रहे हैं। क्यू की तरफ से साउंड देखने को मिला था यहाँ पे, फिर वापस हम इसी तरह इसकी बैक को बिल्ड कर लेते हैं। तो भैया इसकी बैक ये लग चुकी है, अब चेक कर सकते हैं यार डिस्प्ले लुक इसकी देख लें आप, इसमें भी यार वही क्यू का जो चल रहा है कीपैड लॉक का पावर बटन, यानी कि इसका रेड बटन जो उनसे आप दबाएंगे तो इसमें लॉक लग जाएगा। तो आप ये यार इसकी डिस्प्ले की सेटिंग चेक कर सकते हैं, अच्छा मोबाइल है यार काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज। कैमरा रिजल्ट चेक कर लें यार इसका, ऑला रिजल्ट है यार, कैमरे हद हो गई यार, कैमरा इसका बड़ा मजे का यार। तो भैया जी आगे चेक कर लेते हैं यार इसमें कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है कि नहीं, क्योंकि आजकल के आवाम का यार ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है यार, कॉल रिकॉर्डिंग लाजमी होनी चाहिए मोबाइल में। जैसा आप जानते हैं टच वाले मोबाइल है यार बड़े जितने भी आ रहे हैं उनमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, किसी में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देखने मेरी, इसीलिए हर कोई यार एक अपना सेकंड मोबाइल रख रहा है जो कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए काम आता है। इसी तरह अगर आप इस डिवाइस को देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, स्लिम है और पकड़ने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है कि नहीं। तो हमारे देश की सेटिंग में यहाँ पे आप चले जाइए इसके QS में आने के बाद ये आपको यार फ्रंट में ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग,
तो यहाँ से आप इसको ऑफ है ये तो आप ऑन कर सकते हैं यार। ये बहुत ही कमाल का फंक्शन इसमें देखने को मिल रहा है यार। तो बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं यार क्यों नोकिया वगैरह दूसरी कंपनी का मोबाइल है उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है और स्पेक्स इतने देखने को नहीं मिलते। बहरहाल इसकी 2350 रुपये प्राइस पाकिस्तान में रखी गई है और कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल रहा है यार। ड्यूल सिम एट अ टाइम डाल सकते हैं, 16 GB का मेमोरी कार्ड बिल्ड कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को इसमें मिल रहा है। बैक पे फ्लैशलाइट भी देखने को मिल जाती है, चार्जर इसमें आम है, हैंड फ्री जैक भी है यार। अच्छी डिवाइस है, कॉल रिकॉर्डिंग आप इसे सेकंड मोबाइल रखने के लिए ले सकते हैं यार। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने इसका रिव्यू किया और इसकी कुछ सेटिंग इसके कुछ ऑप्शंस वगैरह के रिलेटेड आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल भी नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिए और यार कमेंट किस स्टाइल चेंज लगा तो लाजमी से बताइएगा कौन सा स्टाइल ज़्यादा बेस्ट था। तो मैं मिलता हूँ आपसे न्यू लेटर आने वाली एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।